दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाजों के सामने अभ्यास मुकाबले में मचाई तबाही। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने अभ्यास मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को कुछ इस कदर पिटाई की जिसको देख विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो वहीं इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में किस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने मार्श को बोल्ड कर मुकाबले में वापसी कराई है तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट की जानकारी भी आपको देंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज अभ्यास मुकाबला खेला गया जहां भारतीय टीम गाबा के ब्रिस्बेन में अभ्यास मुकाबले खेलने के लिए उतरी, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में सिक्का तो नहीं गिरा लेकिन मुकाबले में भारतीय टीम को इसका नुकसान भी नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, विरोधी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया लेकिन विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी में शुरुआत करने के लिए मिचेल स्टार्क आए, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल आए, जहां केएल राहुल ने एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक जड़ दिया। जी हां दोस्तों, केएल राहुल ने प्रत्येक ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौकों की बौछार लगा दी। दरअसल केएल राहुल ने चारों तरफ स्कोर बनाने के लिए छक्के चौके लगाए, जिसमें चौथे ओवर में मार्कस स्टोइनिस को अपना निशाना बनाते हुए एक छक्के और तीन चौकों के साथ 20 रन बटोर लिए। इतना ही नहीं, पावर प्ले के अंतिम ओवर में 27 गेंदों पर केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और पावर प्ले में 69 रन भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के बना लिए। परंतु लगातार चार चौकों की बारिश में विरोधी टीम के गेंदबाज परेशान होते हुए दिखाई दिए और गेंदबाज ये सोचने को मजबूर हो गए कि आखिरकार दोनों बल्लेबाजों की किस तरीके से पवेलियन उनको भेजा जाए। ऐसे में 8वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। जी हां दोस्तों, केएल राहुल 33 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के 173 के स्ट्राइक रेट से लगाए, जहां पर राहुल को मैक्सवेल ने एस्टन एगर के हाथों कैच कराया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा भी पवेलियन को लौट गए। जी हां दोस्तों, 9वें ओवर में 80 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा और उन्हें एस्टन एगर ने मैक्सवेल के हाथों कैच कराया। तो वहीं रोहित 14 गेंदों में 15 रन बना सके। उन्होंने अपनी पारी में उन्होंने एक चौका और एक छक्का 110 के स्ट्राइक रेट से लगाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए। लेकिन 13 ओवर में विराट कोहली भी पवेलियन को लौट पड़े। जी हां दोस्तों, 13वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को मिचेल मार्श के हाथों कैच कराया, जहां पर कोहली 13 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए, जहां उन्होंने अपनी पारी में एक चौका एक छक्का 147 के स्ट्राइक रेट से लगाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए। लेकिन हार्दिक पांड्या को प्रत्येक गेंदबाज परेशान करने लगे, परंतु हार्दिक पांड्या घबराए नहीं लेकिन ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में पांड्या भी पवेलियन को लौट गए। दरअसल 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए, जहां पर उन्हें केन रिचर्डसन ने टिम डेविड के हाथों कैच कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आए। लेकिन दिनेश कार्तिक भी आज ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए और दिनेश कार्तिक के आउट होते ही आधे भारतीय बल्लेबाज पवेलियन को लौट पड़े। दरअसल 17 ओवर में दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से 143 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रन बनाकर आउट हुए, जहां वो रिचर्डसन की गेंद पर मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पारी के अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक 32 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव रिचर्डसन के हाथों कॉटन बोल्ड हो गए। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 33 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्का लगाया, तो वहीं इस बीच उनका स्ट्राइक रेट भी 152 का रहा। इसके बाद बल्लेबाजी करने रविचंद्रन अश्विन आए तो उन्होंने आते के साथ ही छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन पारी की अंतिम गेंद पर 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 रन बनाकर अश्विन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं अक्षर पटेल ने 6 गेंदों पर 6 रन नाबाद बनाए, जिसके कारण भारतीय टीम ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 186 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केन रिचर्डसन ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं एस्टन मैक्सवेल और स्टार्क ने एक-एक विकेट लिया। लेकिन जब 187 रनों को लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलियाई टीम उतरी तो पारी की शुरुआत कप्तान एरन फिंच और मिचेल मार्श ने करी, जहां पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 4 रन दिए लेकिन दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक चौके के साथ मात्र 5 रन ही दिए। परंतु तीसरे ओवर में जैसे ही गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए तो हार्दिक पांड्या के सामने मार्श का तूफान दिखाई दिया, जहां मार्श ने 2 चौके और एक छक्के के साथ 18 रन बटोर लिए। इसके बाद हर्षल पटेल ने भी अपने ओवर में एक छक्के और एक चौके के साथ 11 रन खाए, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने फिरकी में फंसाने की कोशिश करी परंतु वो भी बेकार गेंदबाजी करते हुए 14 रन दे बैठे। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार से काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद थी, परंतु भुवनेश्वर कुमार ने एक छक्के और एक चौके के साथ 10 रन पहली 3 गेंदों पर लुटा दिए। लेकिन अगली गेंद पर आखिरकार मार्श को 18 गेंदों पर 195 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आए और इसी के साथ पावर प्ले में विरोधी टीम ने 64 रन
एक विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।